बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चूल्हा हमने ऑन कर दिया और इस पर अपनी कढ़ाई रख दी है, लोहे वाली कढ़ाई, जैपनीज लोहे वाली कढ़ाई मेरी, वो मैंने रख दी है। और जनाब अली, तेल थोड़ा सा गर्म हो फिर हम इसके अंदर चीज़ें डालना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने प्याज, ग्रीन प्याज मेरे पास ख़त्म हो गई थी इसलिए वाइट नहीं है। अगर आपके पास ग्रीन प्याज हो तो वो लीजिएगा, वो ज़्यादा बेहतर है। ग्रीन प्याज ज़्यादा बेहतर वो लीजिए। प्याज जली हुई अंदर पड़ी जली हुई प्याज, क्योंकि इससे पहले भी मैंने इसके अंदर एक चीज़ तली थी तो रह गई वो। प्याज डालते ही हम डालेंगे इसके अंदर लहसुन, लहसुन डालेंगे अच्छे का टुकड़ा। ना मेरे ग्लव्स में रूम को ग्लव्स पहन के रूम से काम नहीं था, मैंने सोचा जी मैं लहसुन तीन चार लहसुन के पांके को करने के बाद डाल दिए। ये थोड़ी सी हुए कच्ची पक्की, कच्ची पक्की होते ही इसमें हम दूसरी सब्जियाँ डालेंगे। सबसे पहले मैंने ये गोभी, गोभी लेना, थोड़ी सी कच्ची पक्की हुई हम इसमें डालेंगे गाजर, रात में भी पकी हुई है ये होते थोड़ा सा टमाटर। इसके बाद मैंने अब टमाटर डाल दिए, क्वार्टर टमाटर छोटा वाला। एक ही शख्स के लिए मैं चावल बना रहा हूँ। ये जनाब शिमला मिर्च, आखिर में जनाब अली में हरी मिर्चे तेज वाली और फीकी वाली दोनों। मैंने जो चावल बॉईल करके रखे हैं वो ये हैं, ब्राउन चावल है वो लीजिए बासमती, ब्राउन बासमती ओरिजिनल काफ़ी कीमती होते हैं। आप कोई भी चावल दे सकते हैं, वाइट भी दे सकते हैं। चावल आप बॉईल करके रखिएगा, मैंने सिर्फ एक शख्स के लिए बना रहा हूँ यानी अपने लिए बना रहा हूँ। और मैं इसमें डालूँगा चिकन, और चिकन मैं इस्तेमाल करूँगा टिक्के की, ये टिक्का है मेरा चिकन टिक्का, मैंने बनाया था
तो उसमें से चिकन टिक्के के गोश्त डालूंगा उसमें से निकाल। चिकन टिक्के की गोश्त थोड़ी थोड़ी, मैंने ग्लास पैन के काम करने की कोशिश की थी लेकिन कामयाब ना हो सका, मुझे आदत नहीं है इसलिए मैंने उतार लिया। आप चाहें तो ग्लास पैन से काम कर सकते हैं। तो ये जो चाइनीज राइस है ये हमारे पाकिस्तानी प्लस चाइनीज है, यानी चिकन टिक्का प्लस चाइनीज राइस बना रहे हैं। मैंने चिकन टिक्का इन सब बूटियाँ डाली थी, चिकन निकाल के काफ़ी है मेरे पास। तो मैंने एक बूटी में कंप्लीट भी डाल देता हूँ। अब जनाब अली इसमें पड़ेगा छत्ते, छत्ता यानी सॉसेज सॉस पड़ेगी। सॉस में सबसे पहले मैं डालूँगा उसके अंदर सोया सॉस एक चम्मच खाने का या उससे थोड़ा सा कम। सोया सॉस मेरे पास दो घंटे मिर्चा भी डालूंगा और डालूंगा हॉट सॉस। हॉट सॉस भी मेरे पास दो किस्म के, मैं दोनों हॉट सॉस डालूंगा, मिर्चा भी डालूंगा हॉट सॉस। डिप्लोमेट है दो किस्म का हॉट सॉस बनेगा। अब इसमें चावल डाल दूँगा और एक हॉट सॉस बाकी है डाल दूँगा। मैंने ब्राउन लिए चावल, आप चाहें तो वाइट ले सकते। और यही प्यारा है चाइनीज राइस का, इसे नहीं निकाल। माशाल्लाह आखिर में इसमें आलू फ्राइड पोटैटो। दो से पाँच मिनट तीन मिनट के लिए मैं इसको ढक के दम दूंगा और उसके बाद सर्विंग बाउल में निकालता हूँ। मेरा ख्याल है आपको समझ में आ गया होगा। एक सॉस रह गया सोया सॉस एक और, वो भी मैं डाल दूँ आप ही के सामने। डिलीशियस है फिश सोया सॉस। इससे पहले कि मैं ढाकू इसको थोड़ा सा,
5 मिनट दम दे दिए, तैयार हो हम दे दिए। आज का चावल चाइनीज प्लस टिक्का। मेरा टेबल सज चुका, चाइनीज चावल और वेजिटेबल कॉर्न सूप है, साथ में चिप्स हैं, पोटैटो चिप्स हैं। मैंने चावलों में केचप नहीं डाला था, उसमें शुगर होती है, इसकी वजह से मैंने नहीं डाला था। आप चाहें तो थोड़ा सा केचप भी इसमें डालें तो और मज़ा देगा। उम्मीद है आप भी बनाएंगे, उम्मीद है याद दुआ में याद रखेंगे और आप इस लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। शुक्रिया।